हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है द पुकी गेमर मैक्स एंड फैक्ट्स राजा चैनल में। मैं आप सभी का प्यारा मैक्स शेलार, और आज हमारे साथ है एक मेहमान, तो चलिए फटाफट उनका इंट्रो लगाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ नम्रता, आपको स्वागत है पुकी गेमर मैक्स फैक्ट्स राजा में। आज हम आपके लिए लाए हैं अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट रेक्वेजा। तो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, आपको पता है कि मैं कोई भी पोकेमोन का फैक्ट्स बताने से पहले उसका शॉर्ट इंट्रो देता हूँ। सो चलिए बढ़ते हैं रेक्वाजा के इंट्रो की तरफ। रेक्वाजा एक ड्रैगन टाइप पोकेमोन है और ड्यूल टाइप पोकेमोन है, लाइक ड्रैगन एंड फ्लाई टाइप पोकेमोन, जिसे हमें जेन 3rd में इंट्रोड्यूस कराया गया था। रेक्वाजा एक लेजेंडरी पोकेमोन है। रेक्वाजा सबसे पावरफुल ड्रैगन टाइप पोकेमोन है, और ये पोकेमोन एक ट्रायो पोकेमोन का हिस्सा है। फैक्ट नंबर 5, रेक्वाजा कोई मतलब एवॉल्व होने वाला पोकेमोन तो नहीं है, पर लेकिन अगर आप यहाँ पर बात करें मेगा एवोल्यूशन की, तो रेक्वाजा को ड्रैगन एशेंसियंस मूव आना चाहिए। फैक्ट नंबर 4, आपको पता है कि एनिमे में हमें बताया गया है कि रेक्वाजा ओजोन लेयर में पैदा हुआ था और वो ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन करता है, पर लेकिन एनिमे और गेमिंग में हमें रेक्वाजा का एक ही काम दिखाया गया है, वो एक ग्राउडन और काइवर को शांत करना। फैक्ट्स नंबर 3, रेक्वाजा पोकेमोन एमराल्ड गेम का स्टार्टर है। मतलब कि रेक्वाजा एक लेजेंडरी पोकेमोन है, और आपको पता है कि लेजेंडरी पोकेमोन पर हमेशा गेम्स बनाए जाते हैं। इसे ही हमको एम्ब्रॉयड वर्जन पता है, बहुत पॉपुलर गेम है, और इसी में हमें स्टार्टर में लेआउट में रेक्वाजा दिखाया जाता है। फैक्ट नंबर 2, अगर आपको डिओक्सिस पकड़ना है एनिमे में, तो आपको रेक्वाजा पकड़ना बहुत ही जरूरी है। नंबर 1, रेक्वाजा का पोकेडेक्स एंट्री नंबर 384 है, और अगर बात करें नॉर्मली उसके स्टैट्स कुछ ऐसे है, और अगर वो मेगा एवॉल्व हो जाए तो भाई रेक्वाजा बहुत पावरफुल पोकेमोन है, और मेगा एवॉल्व होने के बाद इसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।